हेलो दोस्तों, क्या आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है और हैंडराइटिंग की वजह से आपको दोस्तों के बीच शर्मिंदा होना पड़ता है? तो बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों, आज हम आपको लिखावट सुधारने के बहुत ही बेहतरीन 7 वैज्ञानिक तरीकों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने अपनी जीवनी में लिखा है, मुझे अपनी जीवन भर अच्छी हैंडराइटिंग न लिखने का अफसोस रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी हैंडराइटिंग को 100% सुधार सकते हैं। वैसे तो सुंदर राइटिंग सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवश्यक विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वह विद्यार्थी 5वीं क्लास का हो या 15वीं क्लास का। कहा जाता है कि हैंडराइटिंग बोलता है, तो आप सोच रहे होंगे कि हैंडराइटिंग कैसे बोलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आप 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा देते हैं तो आपकी कापी जांच के लिए CBSE मुख्यालय या संबंधित राज्य बोर्ड के मुख्यालय जाता है। उस जगह शिक्षा का जो स्तर है और जो चेकर हैं, शिक्षक हैं, उसको आपके बारे में कुछ नहीं पता होता है कि आप क्लास के टॉपर हैं या मॉनिटर हैं या और कुछ। जहाँ तक आपका सुंदर राइटिंग ही आपके बारे में आपका परिचय देता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। जिस प्रकार हम अच्छी चीज़ें देखकर खुश हो जाते हैं, उस प्रकार शिक्षक भी अच्छी हैंडराइटिंग देखकर खुश हो जाते हैं। यदि हमें शिक्षक को खुश करके अच्छे नंबर लाने हैं तो पढ़ाई के साथ साथ हैंडराइटिंग पर भी विशेष सुधार की आवश्यकता होगा। दोस्तों, आपकी हैंडराइटिंग सुधारने के लिए आपके टीचर्स जो टिप्स देते हैं उसको आप पालन कीजिए। उसके अलावा हम इस वीडियो में आपको लिखावट सुधारने के वैज्ञानिक तरीकों को बताने वाले हैं, जो आपको 100% गारंटी के साथ आपका इम्प्रूव करेगी। तो दोस्तों, पहला टिप्स है, ठीक से आराम से बैठकर लिखिए, जहां पर आप घंटों लिख सकें आराम से बैठ जाइए, लिखिए, सो कर या खड़े खड़े नहीं लिखना है। और दूसरा टिप्स है हमारा, पेन पर जोर देकर न लिखें, पेन को आराम से हल्के हाथों से पकड़ें। ज़्यादा जोर देकर लिखने से एक तो कापी ख़राब होता है और राइटिंग भी ख़राब होती है और पेज में हमारे निशान पड़ जाते हैं। और तीसरा टिप्स है हमारा, लिखने की स्पीड को कम करें। दोस्तों, जब आप हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं तो धीरे धीरे शब्दों को गोल गोल अच्छे से लिखने का प्रयास करें। स्पीड को बाद में आराम से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पहले स्पीड को कम करें। और चौथा टिप्स है, दो शब्दों के बीच गैप को समान रखें। दोस्तों, दो शब्दों के बीच अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो उसमें भी अक्षर सुंदर नहीं दिखेंगे, और ज़्यादा दूर कर देंगे तो भी मज़ा नहीं आएगा, और पास कर देने से वो भी अच्छा नहीं दिखता है। तो शब्दों के बीच गैप को समान रखें, इससे आपका हैंडराइटिंग बहुत ही आकर्षक दिखेगा। और पांचवा टिप से हमारा, लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, पेज को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, काट छांट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे हमारे हैंडराइटिंग में बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट छठवां टिप से है, केवल पंजा ही नहीं पूरे बाजू को मूव करना चाहिए। दोस्तों, क्या होता है, एक बार लिखते लिखते अगर हम अपनी बाजू को मूव नहीं करते हैं तो हमारे बाजू का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे हाथ दर्द होता है और ज़्यादा हम लोग नहीं लिख पाते हैं। इसीलिए पंजा के साथ साथ पूरे हाथ को घुमाना चाहिए, मूव करना चाहिए। सातवां लास्ट हमारा टिप्स है, लिखने में ज़्यादातर पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे जब आदत हो जाए तो बाद में बॉल पेन का उपयोग करना चाहिए, पहले पेंसिल से ही सीखना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पेंसिल से लिखने का अभ्यास कराया जाता है। और दोस्तों, शब्दों को गोल गोल लिखें, अगर आप सीधे राइटिंग लिखते हैं तो सीधे सीधे लिखें, अगर आप तिरछा लिखते हैं तो तिरछा तिरछा लिखें, उसमें छेड़छाड़ ना करें, और आधा तिरछा आधा सीधा खिचड़ी टाइप का मत लिखें। अगर आप सीधा लिखते हैं तो सीधा लिखें, गोल लिखते हैं तो गोल लिखें। और अगला है हमारा, ज़्यादा सस्ता
पेन या ज़्यादा महंगा पेन का चुनाव न करें, आप अपने हिसाब से पेन का चुनाव कर सकते हैं। और दोस्तों, आप पेन को जैसे भी पकड़ते हैं बचपन से वैसे ही पकड़ें, अभी उसमें परिवर्तन करके छेड़छाड़ न करें। दोस्तों, आप शब्दों को सीधा लिखते हैं या मेरी तरह तिरछा लिखते हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों, ये लिखावट सुधारने का जो उपाय है आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।